वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हमने आज से बहुत ही अच्छी एडिटिंग स्टार्ट की है वीडियो में, तो प्लीज़ सपोर्ट। हेलो बडीज, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम इनका विलेज लूटने वाले हैं, तो चलिए लूटने को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने दो तीन चीज़ें लूट ली है, ये देखो, एक पोटैटो बेड और रैबिट का फ्लैश, तो देखते हैं और क्या है। अच्छा टाउन बना रखा है इन्होंने इधर। ये क्या है? ये ब्लास्ट फर्नेंस है, ट्रेड भी करते हैं ये। देखिए ये क्या ट्रेड कर रहा है, ये आर्मर ट्रेड कर रहा है। और कुछ है क्या? नहीं, देख के आते हैं। चेस्ट देखते हैं, चेस्ट में क्या है। स्नो है हमारे पास, बीटरूट सीड्स लेके रखते हैं, पोटैटो भी लेके रखते हैं, कोल भी लेते हैं। रात का टाइम हो गया लगता है, तो हम इसके ही घर में सोते हैं इसके साथ। देखिए बेड मिलने के वजह से हम नाइट को ऐसे स्किप कर सकते हैं। सभी घर देखते हैं इधर क्या है। तो बनाते हैं हमारा शेल्टर। शेल्टर बनाने के लिए ढूंढते हैं अभी फिर से। शेल्टर के लिए जाने नहीं, पर देखो मैं आपको कुछ तो दिखाना चाहता था। पोलर बियर मिल रहा है, हम इस पोलर बियर को टेल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ रिसोर्स नहीं है। इधर शुगर किंग है, थोड़ा शुगर किंग भी तोड़ के ले जाते हैं। तो चलिए फुटेज कट करता हूँ। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे ये वाली जगह मिल गई है। सामने जो दिख रहा है वो, इधर स्नो नहीं है ज़्यादा, मतलब स्नो ही नहीं है। मुझे लगता है ये स्नो बायोम का एंड है और इधर अच्छी जगह है। ओह घोड़ा मिल गया देखो, पर घोड़े को कंट्रोल करने के लिए नहीं है कुछ भी। उधर क्या है? सामने और एक विलेज है लगता है। हाँ और एक विलेज है, पर उधर हम बाद में जाएंगे। मेरे को लगता है अभी शेल्टर बना लेना चाहिए। ये जगह अच्छी है, पर हमें ऐसी जगह चाहिए जिधर केव्स भी हो, जिससे कि हम माइनिंग करके बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकते हैं। और आजू बाजू फॉरेस्ट भी चाहिए, तो इधर फॉरेस्ट है, वुड्स की कोई कमी नहीं होगी हमें इधर, पर केव नहीं है। बड़ीज मुझे इधर गांव के पास ही ये वाली जगह ही बहुत अच्छी लगी शेल्टर बनाने के लिए, तो मैं इधर ही शेल्टर बनाता हूँ। तो इस जगह को पहले क्लियर कर लेता हूँ, तो जो चीज़ें अभी चाहिए वो लेके जाता हूँ। तो अभी मैं ट्रीज काटने के लिए जाने वाला हूँ, तो सॉड और एक्स लेके जाता हूँ, बस इतना बस होगा। और मैं ऑफ कैमरा जाके ट्रीज वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ। तो मैंने एक स्टैक कलेक्ट कर लिया है वुड लॉक्स का, यानी कि 64, तो इसे वुड प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत वुड प्लैंक्स हो गई, लगभग 4 स्टैक्स हो जाएंगे। हाँ परफेक्टली 4 स्टैक्स हो गए, तो घर बनाते हैं। एक मिनट रुको,
इस प्लेटफॉर्म को जरा एकदम लेवल पे कर देते हैं। तो अभी मैं घर बनाना स्टार्ट करता हूँ और मैं अभी बड़ा घर बनाता हूँ तो फिर बाद में घर बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी घर में काम हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा बहुत घर बन गया है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब पूरा ही बन गया है, सिर्फ खिड़कियाँ लगाने रह गए। ऊपर का हो गया और नीचे का फ्लोर भी लगा लिया है और अभी सिर्फ कांच लगाना है। और इधर देखिए ऑटोमेटिक डोर टाइप भी बना है, खोलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ओपन होगा और क्लोज होगा। तो बाद में खिड़कियाँ लगा लेंगे, हम पहले ये विलेज एक्सप्लोर करके आते हैं। चलिए देखते हैं इस विलेज में क्या क्या है। इधर भी खेती बाड़ी है, मुझे लगता है हमें खेती बाड़ी करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, हमारे ऊपर की खेती यही करेंगे, खाएंगे हम। ब्रीविंग स्टैंड ये ले लेते हैं। ब्रीविंग स्टैंड से हम मैजिकल स्पेल्स बना सकते हैं। ऊपर क्या है देखते हैं। अच्छा तो ये लाइट हाउस टाइप कुछ तो है, इन्होंने भी कांच लगा रखी है, पर हम इनके कांच नहीं ले सकते। कांच हम एक बार लगा दे तो देखिए ऐसे टूट जाती है। इधर क्या, इसके घर में चेस्ट है। चलो घोड़े को अब हम पाल सकते हैं, सैडल तो मिल गई और बना बनाया आर्मर भी मिल गया, तो पहन लेते हैं आर्मर को। शूज, लेगिंग्स और बहुत कुछ लगेगा। अरे रात हो गई तो हमारे घर में जाके सोते हैं जल्दी से। ये देख लिया, ये घर भी देख लिया, देखते इस घर में क्या है। इसके घर में क्या है, कुछ नहीं, डिजाइन्स अच्छे है वैसे इनके घर के। ये देख लिया, ये देख लिया, ये वाला घर भी देख लिया। इधर कौन सा घर नहीं है। वाह ब्रिज भी बनाया है इन्होंने। सामने सैंड बायोम भी है, हम उधर भी जाएंगे, पर बाद में। उधर पम्पकिन है,
वो भी बाद में लेंगे, अभी तो हमें सारा विलेज एक्सप्लोर करना है। वो खाने का इंतजाम हो गया। मुझे लगता है अभी हम तो एक महीने तक तो कुछ खाने का टेंशन नहीं। और ये एप्पल्स और एमराल्ड्स भी मिल गए। एमराल्ड्स से हम ट्रेड भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका घर देखते हैं। तो बड़ीज, पूरा विलेज लूट के हो गया है और बढ़िया बढ़िया लूट मिली है। आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। बेल ली है और हॉर्स चेस्ट प्लेट मिला है, वो भी डायमंड का। और आर्मर मिला है, गोल्ड मिला है, एमराल्ड बहुत सारे, सैडल और बहुत कुछ मिला है। तो आज के वीडियो का हम इधर ही एंड करते हैं। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और कमेंट्स में बताइए आप अपना वैकेशन कैसे एंजॉय करने वाले हैं। और वैकेशन में हमारी माइनक्राफ्ट लेट्स प्ले सीरीज़ देखते रहिए और वैकेशन को एंजॉय कीजिए। तो आपको और एक बार हैप्पी क्रिसमस। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय। अरे रुको रुको रुको, हमारा डायलॉग तो रह गया। खाइए पिए और मज़े में रहिए, बाय। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला।